रेत गिट्टी खदान के संचालकों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। खदान के संचालकों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि रेत की गाड़ियों की रॉयल्टी होने के बाद भी पुलिस उन पर झूठे केस बनाकर उन पर कार्रवाई करती है। साथ ही संचालकों का कहना है कि राजपत्र के अनुसार पुलिस विभाग को खनिज पर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। मामले में संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी भी दी है। ये खनिज का मुद्दा है। अब खनिज विभाग, अभी मेरे को तो ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर विधिवत तरीके से वहाँ सारे लोग जमा हैं जो एग्रेसिव हैं, और वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर भी धारा लगी हुई है 144। तो हमारा इतना ड्यूटी है कि आप ज्ञापन वगैरह विधि पूर्वक दे सकते हैं, लेकिन उस किसी विधि के या संविधान के उल्लंघन के उसमें नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कार्रवाई ओवरलोडिंग को लेकर हमारे गलत की जा रही है। वो खनिज अधिकारी हैं, उनका उनका वो है कि वो चेक करें कितनी ओवरलोडिंग क्या है। भाई हमें तो एक मीटिंग, जब सभी लोगों की मीटिंग हुई थी जिसमें बस ऑपरेटर ट्रक थे, तो अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है।